हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम आए हैं बुकित मेहरा। हम आपको पास से दिखाएंगे ये बिल्डिंग, आप गेस करना कि आज हम कहाँ आए हैं। तो अभी देखो आप यहाँ पे कितनी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं रोड पे पूरा। ये न्यू ईयर के टाइम पे लगाई होंगी इन्होंने लाइट्स, एंड अभी तक लगी हुई हैं बिकॉज बीच में फिर चाइनीज़ न्यू ईयर भी आ गया। तो लेट अस शो यू कि आज हम कहाँ आए हैं। और आज हम आपको अभी नहीं बता रहे फिलहाल कि हम आए कहाँ हैं, आप खुद आप लोग गेस कर लोगे। आई नो दैट। ये देखिए आपको बिल्डिंग दिख रही होगी वाइट वाइट। सो हाँ जी, आप ठीक समझ रहे हैं, हम आए हैं गुरुद्वारे। ये बुकित मेहरा का गुरुद्वारा है और यहाँ पे लाइटनिंग देखो कितनी प्यारी है। तो हम दिन में आने चाहते थे किसी दिन, बट अभी लाइटनिंग इतनी प्यारी है तो वो दिन में तो दिखेगी नहीं, ये लाइटनिंग और ये व्यू दिन में दिखेगा नहीं, इसलिए हमने सोचा कि अभी रिकॉर्ड कर लेते, फिर किसी बारी दिन में भी आएंगे तो आपको पूरा इसका व्यू देंगे। अभी क्लोजअप भी हम आपको देते हैं, हम वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बस, आई गेस ये टूरिस्ट बस है, मे बी टूरिस्ट आए होंगे यहाँ पे गुरुद्वारा। तो ये सेंट्रल सिंगापुर से थोड़ा सा साइड में ही है बुकित मेहरा। ये सेंट्रल सिंगापुर की नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ही बुकित मेहरा है, वहाँ पे ये गुरुद्वारा है। एंड गुरुद्वारा के आसपास इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कभी आप सिंगापुर आओ तो गुरुद्वारा ज़रूर आना। ये देखिए अभी वो बस चली गई है, ये पूरा व्यू गुरुद्वारे का है ना, कितना पीसफुल लग रही है प्लेस। दो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है बट सच्ची में शांति ही मिलती है यहाँ पे आके। हम तो आते रहते हैं तो हमने सोचा कि आज जा ही रहे हैं तो एक नाइट व्यू भी दे देंगे आप लोगों को, और कभी डे व्यू भी दे देंगे। वहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है, भाई महाराज सिंह मेमोरियल। तो कोई होंगे यहाँ पे सिख कम्युनिटी के कोई पर्सन तो उनकी मेमोरी में यहाँ पे गुरुद्वारा इन्होंने बनाया है। लेट्स सी ये अंदर कितनी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ करते हैं, उसी हिसाब से हम आपको सारी क्लिप्स प्रोवाइड कर सकेंगे। तो अभी हम जाते हैं उस साइड से रोड क्रॉस करके फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, वो मेमोरियल था यहाँ पे, ये जो टेंपल है इसका नाम है सीलत रोड सिख टेंपल। तो ये पूरी देखो इसकी यहाँ से एंट्री है, एंड सीलत रोड सिख टेंपल, ये देखें ये व्यू है। जिनको जो अरदास से मांगनी है वो मांग सकते हैं वीडियो में ही, भगवान सबकी अरदासें कबूल करें, सबकी जो भी तमन्नाएं वो पूरी हों। ये देखें यहाँ से टेंपल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह के लिए कोई अपनी कार में आ रहा है तो पार्क कर सकते हैं। और ये जो भी जिनको भी भाई दर्शन करने लंगर करना है वो यहाँ से उनकी एंट्री होगी। और आप देख सकते हो कि ये है सीलत रोड सिख टेम्पल बुकित मेहरा, और यहाँ से एंट्री होती है। देखिए अभी लंगर चल रहा है यहाँ पर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लंगर की। पूरा ये यहाँ से टेम्पल देखिए कितनी क्लीनलीनेस है, यहाँ पे भी पेड़ पौधे काफी लगाए हुए हैं और ये लाइट्स भी। ये मैं आपको बताती हूँ जो मेमोरियल है ना, भाई महाराजा सिंह मेमोरियल, यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिख सेंट और सोल्जर, उनके बारे में बताया हुआ है, वो एक सिख सेंट और एक सोल्जर थे। वहाँ पे पूरा मेंशनड है कि भाई कैसे आप, जैसे फॉरनर्स भी आ रहे तो उनको आइडिया नहीं है कैसे कपड़े पहने, कैसे नहीं, कैसे आना है, तो उसके बारे में इसमें भी मेंशनड है सब कुछ। एक बारी हम दर्शन कर लेते हैं फिर आपको दिखाते। ये मेमोरियल वाली जगह है, आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं, पूरा डेकोरेटेड लाइट्स एंड ऑल।
काफी इंडियंस आते हैं गुरुद्वारे में खाना खाने, जो भी भाई यहाँ पे लेबर्स हैं या फिर नॉर्मली भी। तो आपको पता है कि सिख कम्युनिटी जो है वो कितना हेल्प करते हैं, जो लंगर है जो 24/7 चलता रहता है, वो जितने भी पुअर पीपल होते हैं जो भाई अफोर्ड नहीं कर सकते इवन इन इंडिया, नॉट जस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है सिख कम्युनिटी में। ये देखिए यहाँ से हम आपको एक व्यू दे देते हैं, तो बाबा जी सब पे मेहर करें और सबकी अरदासें पूरी करें। अभी हम चलते हैं घर, किसी दिन हम डे टाइम में आएंगे तो आपको डे व्यू भी दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं घर। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा गुरुद्वारे का। अंदर हम जा नहीं सके बिकॉज अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, जैसे कि देखो आपको यहाँ पर भी लिख रखा है यहाँ पर भी कि फोटोग्राफी और फिल्मिंग अलाउड नहीं है, तो स्टिल हमने किया ट्राई जितना भी हो सका, बट अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। 100 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड हाँ जी 100 आप लोगों को छोटा लग रहा होगा नंबर, बट हमारे लिए ये नंबर भी बहुत बड़ा है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग अस। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कीप लविंग अस। फिर से हम जल्दी ही आपको मिलते हैं एक और न्यू अमेजिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।